हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आस्क क्लास में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए मैथ का काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, जो 20 बार से ज्यादा बार परीक्षाओं में आ चुका है और आगे आने की संभावना है। इसमें 30 कुल प्रश्न है। अगर 30 प्रश्न को आप अच्छी तरीके से देखते हैं तो 5 नंबर आपका कहीं भी नहीं जाएगा। इसमें से 5 ऑब्जेक्टिव प्रश्न वैसे होंगे जो 2021 में आपसे पूछे जाएंगे हूबहू, तो 5 नंबर आपका कहीं नहीं जाएगा। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को तो जरूर लाइक कीजिए। और लास्ट में एक होमवर्क आसान सा प्रश्न है, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए, एक किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि किसी निश्चित घटना का प्रायिकता क्या होता है। तो किसी भी निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, एक होता है। अगर वो घटना घटित होने वाली है तो उसकी प्रायिकता कितना होगा, एक होगा। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और HW एक प्रश्न दिए थे जिनका सबसे पहले सही जवाब आया है, वह है शुभम कुमार, बोल रहे हैं 4600 का। पूछे थे कि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 46 होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ये वैसे प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है और ये इसी तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, 4-5 प्रश्न। तो आज की वीडियो में ऐसे ही हम लोग मैथ के प्रश्न देखेंगे। यहां पे देखिए, संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है। ए ऑप्शन है तोरण, बी ऑप्शन है दंडलेख, सी ऑप्शन है बारंबारता, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तोरण कहलाता है। तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को आप क्या कीजिए, नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए, 5 नंबर आपके कहीं भी नहीं जाएंगे। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, आदर्श कुमार बोल रहे हैं 46 पाया जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 3 नंबर, किसी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। बोला गया इसमें से कौन घटना का प्रायिकता नहीं होता है। एक तो ये किसी घटना का प्रायिकता होता है, 15%, ये भी होता है, 1/2 ये भी होता है, लेकिन माइनस में किसी भी घटना का प्रायिकता नहीं होता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आप लोग पिछले वर्ष के अगर आपके पास पेपर उठा के देखिएगा तो ऐसे 4-5-6 प्रश्न जरूर आते हैं। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, सुजीत बोल रहे हैं कि 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न देखिए, वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, πr² क्या होता है, πr², और पाई का मान कितना होता है, 22/7, और आर क्या है, यहाँ पे त्रिज्या है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही जवाब आया है वो है अरुणेश कुमार, बोल रहे हैं 23 जोड़ा यानी 46 होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर, b² - 4ac को कहा जाता है। जो b² - 4ac होता है उसे क्या कहा जाता है, तो b² - 4ac को क्या कहा जाता है, विवेचक या विवितकर कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, तो इसे भी याद कर लीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्रदुमन कुमार का अगला सही जवाब आया, बोल रहे हैं कि 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है कि π/2, इसका मतलब होता है π/2 क्या है। ए ऑप्शन है परिमेय संख्या, बी ऑप्शन है अपरिमेय संख्या, सी ऑप्शन है परिमेय अपरिमेय दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे पूछा गया कि π/2 क्या है, तो याद रखिए जिसमें भी पाई लगा होता है वो क्या होता है, अपरिमेय। तो इसमें भी पाई है, तो पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो π/2 क्या हो जाएगा हम लोग का, अपरिमेय हो जाएगा। यानी π/3 दे दे, π/6 दे दे, ये सब क्या होगा, अपरिमेय। अगर ऐसे दे π/ यहाँ पे 3π, तो यहाँ पे देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा हम लोग को, बचेगा कितना, 2/3, ये परिमेय हो जाएगा। अगर पाई नहीं हटेगा तो ये वो क्या हो जाएगा हम लोग का, अपरिमेय। तो अगर पाई हट गया तो वो परिमेय हो जाएगा, अगर पाई साथ में रह गया तो वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछा है π/2 क्या है, तो π/2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। और अगला जिनका सही जवाब आया है वो है अरविंद कुमार, अरविंद साहब बोल रहे हैं कि 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए 1 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जिस बहुपद का घात 1 हो उसे क्या बोलते हैं, तो जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। और जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे हम लोग द्विघात बहुपद बोलते हैं।
जिस बहुपद का घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद बोलते हैं, और जिस बहुपद का घात 4 हो उसे चतुर्थ घात बहुपद बोलते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अब कोई भी पूछेगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। और अगला जिनका सही जवाब आया वो है शाहनवाज आलम, बोल रहे हैं कि 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। लास्ट में भी एक होमवर्क प्रश्न है बहुत ही अच्छा सा, उसका जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा कॉमेंट में। और ये सभी प्रश्न आपको 5 नंबर चाहिए, तो इसे लिख के याद कर लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए 8 नंबर प्रश्न है, रैखिक बहुपद का घात कितना होता है। जो यहाँ पे देखिए जो रैखिक बहुपद होता है उसका घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1 होता है। और यहाँ पे पूछते हैं कि द्विघात बहुपद का घात कितना होता है, तो 2 होता है। त्रिघात बहुपद का घात कितना होता है, 3। तो यहाँ पे पूछा है रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, तो रैखिक बहुपद का घात कितना होता है, 1। यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही जवाब आया है वो है फैजान रजा, बोल रहे हैं 46 पाया जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप का फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए बी एक्स और प्लस क्या होता है सी, ये क्या होता है द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कॉमेंट आया हुआ है टुन्ना कुमार, बोल रहे हैं 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न देखिए, वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो उसे क्या कहते हैं। जिस समीकरण का अगर एक भी हल नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, ए ऑप्शन है संगत, बी ऑप्शन है असंगत, सी ऑप्शन है इनमें से कोई हल नहीं, डी ऑप्शन है इन दोनों। तो यहाँ पे देखिए जिस समीकरण का एक भी हल नहीं होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, असंगत, और जिसका एक हल हो या अनंत हल हो उसे क्या बोलते हैं, संगत। तो जिसका हल होगा वो संगत और जिसका हल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, असंगत। तो यहाँ पे बोला है कि कोई भी हल नहीं है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, असंगत, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया वह अनुज कुमार, बोल रहे हैं 46 होता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न देखिए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। यहाँ पे बोला है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा। ये देखिए ये कोण ए और ये कोण बी और ये कोण सी, अगर तीनों कोण ए प्लस कोण बी यहाँ पे जोड़ा जाए और कोण सी यहाँ पे जोड़ा जाए तो ये कितना होगा। तो तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है तीनों कोण। तो यहाँ पे आपसे पूछे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कॉमेंट आया वो है रानी, बोल रही है कि एस डब्ल्यू का आंसर 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए, सभी समबाहु त्रिभुज होता है, सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है। ए ऑप्शन है समरूप, बी ऑप्शन है सर्वांगसम, सी ऑप्शन है समानुपाती, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप होते हैं, या सभी वृत्त क्या होते हैं वो भी समरूप होते हैं, सभी चतुर्भुज क्या होते हैं तो आपस में समरूप होते हैं, मतलब एक जैसे देखने वाले होते हैं, बड़ा हो या छोटा हो लेकिन सभी समबाहु त्रिभुज एक जैसा ही देखने को मिलेगा। तो वो क्या होता है, जो एक जैसे देखने वाला होते हैं वो क्या होते हैं, समरूप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक छोटा सा वृत्त है और एक ये बड़ा सा वृत्त है, दोनों वृत्त अलग अलग है लेकिन देखने में क्या लग रहा है, एक जैसा लग रहा है, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, समरूप हो गए। तो ये भी प्रश्न पूछता है कि सभी वृत्त होते हैं तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगला जिनका सही कमेंट आया है प्रशांत यादव, बोल रहे हैं कि 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 13 नंबर प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। जो मूल बिंदु होता है यहाँ पे देखिए, ये वाई अक्ष और ये एक्स अक्ष, ये एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, जहां पे कटता है ये इसका मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है, तो 0 और क्या होता है, 0। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0 और 0। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिए, शुरू से अंत तक देखते रहिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कॉमेंट आया हुआ है विजय ठाकुर, बोल रहे हैं 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे ये देखिए 14 नंबर प्रश्न, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न और ऐसे परीक्षा में आता है। यहाँ पे देखिए जो ये एक्स अक्ष होता है और ये क्या होता है, वाई अक्ष। तो यहाँ पे पूछा गया कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो एक्स अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग, भुज कहते हैं, और वाई अक्ष को क्या कहते हैं हम लोग, कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटि।
तो यहाँ पे पूछा गया है कि एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, तो भुज कहते हैं यहाँ पे, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यही पूछता कि वाई अक्ष को क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, सुजाय चौहान बोल रहे हैं कि 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न देखिए, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो वाई अक्ष को अभी बताएं क्या कहा जाता है, कोटि कहा जाता है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, अभिषेक आनंद बोल रहे हैं 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर देख लीजिए। एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होती है, एक बाह्य बिंदु से यहाँ पे देखिए अगर स्पर्श रेखा खींच दिया जाए दो, तो उनकी लंबाई क्या होगा। एक बाह्य बिंदु से यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया और यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दिया गया, तो इन दोनों ये जो रेखाएं इनकी लंबाई क्या होगी। ए ऑप्शन है बराबर, बी ऑप्शन है बराबर नहीं, सी ऑप्शन है कभी बराबर नहीं, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर एक वृत्त के बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखा खींची जाए, तो ये दोनों जो स्पर्श रेखा की लंबाई होगी, तो अगर ये 5 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा, यानी दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, सन्नी बोल रहे हैं कि 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न है 17 नंबर, यहाँ पे देख लीजिए। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा कहलाती है, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है उसे क्या बोला जाता है, पूछा गया। ए ऑप्शन है चाप, बी ऑप्शन है चापकर्ण, सी ऑप्शन है व्यास, डी ऑप्शन है त्रिज्या। तो जो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे व्यास कहलाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, व्यास, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कॉमेंट आया वो है कुणाल कुमार, बोल रहे हैं कि HW का आंसर 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनता है, एक वृत्त का जो ये केंद्र है इस पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे वृत्त के केंद्र पे हमेशा याद रखिएगा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री का यहाँ पे क्या बनेगा, कोण बनेगा। वृत्त के केंद्र पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिग्री के कोण बनेगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180, और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको हमेशा याद रखना है, ये तीनों आपको याद रखना है। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है, गिरधारी यादव बोल रहे हैं कि 46 होते हैं गुणसूत्र, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। दो भिन्न भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त होते हैं, यहाँ पे देखिए एक मतलब दो अलग अलग वृत्त वाले त्रिभुज हैं, तो यहाँ पे देखिए त्रिज्या वाले वृत्त हैं, यहाँ पे देखिए ये इसका अलग त्रिज्या है और इसका अलग त्रिज्या है। दो अलग अलग त्रिज्या वाले क्या होते हैं, ए ऑप्शन है समरूप, बी ऑप्शन है सर्वांगसम, सी ऑप्शन है समानुपाती, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अब भी आगे बताए हैं कि दो अलग अलग त्रिज्या वाले वृत्त देखने में क्या होते हैं, एक जैसे ही होते हैं, तो ये क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका ए, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगले जिनका सही कमेंट आया हुआ है, आरती कुमारी बोल रही है कि 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, ए ऑप्शन है एक, बी ऑप्शन है दो, सी ऑप्शन है पांच, डी ऑप्शन है तीन। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एक वृत्त है, इस पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक यहाँ से खींचा जा सकता 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 है, यानी बहुत सारा अनंत स्पर्श रेखाएं यहाँ पे खींची जा सकती हैं अगर वृत्त से स्पर्श रेखा खींचा जाए तो। तो यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे बोलता है कि वृत्त के किसी बाह्य एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बाह्य बिंदु से हमेशा दो स्पर्श रेखा खींची जाएगा। अगर बोले कि किसी वृत्त के दो बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी, तो इससे दो खींचा जाएगा और इससे दो खींचा जाएगा, यानी टोटल कितना, चार। अगर सिर्फ पूछ दे कि वृत्त से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो अनंत, अगर ये बोले कि वृत्त के एक बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी तो दो, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ दे कि वृत्त के बाह्य 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 से दो बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो चार। तो यहाँ पे सिर्फ वृत्त पे बोला है, तो वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कॉमेंट आया है वो है बिरन सिंह, बोल रहे हैं 46 पाया जाता है, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा लीजिए। दबाने के बाद ऐसे एक बेल आइकन आएगा, उसे ऑल पे दबाइएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन
आप तक पहुंचे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 21 नंबर प्रश्न, यहाँ पे देखिए संभव घटना तथा असंभव घटना की प्रायिकता कितना होता है। जो संभव घटना होता है और असंभव घटना होता है उसका प्रायिकता अगर दोनों में मिला दिया जाए तो उसका प्रायिकता कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए जो संभव घटना होता है उसका प्रायिकता 1 होता है और जो असंभव घटना होता है उसका प्रायिकता 0 होता है। तो यहाँ पे देखिए जो संभव घटना और असंभव घटना दोनों को मिला दिया जाए तो इसकी प्रायिकता कितना होगा, तो 1 ही होगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया है वो है अंकित कुमार, बोल रहे हैं कि 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना डिग्री होता है। जो चक्रीय चतुर्भुज होता है यानी एक वृत्त के बाहर एक चतुर्भुज बन जाएगा ऐसे, और यहाँ पे देखिए ए बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी। तो यहाँ पे देखिए चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग यानी इसके और इसके सम्मुख यानी आमने सामने का कोणों का योग कितना होगा, इधर सी और इधर ए, इसका आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा, तो 180 डिग्री होता है चक्रीय चतुर्भुज का। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अगला जिनका सही कमेंट आया हुआ है शिवम राज, बोल रहे हैं 46 होगा, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 23 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 1.12 फिर आ रहा है 1 1 फिर 2 फिर 3 1 फिर 2 फिर 2। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है एक संख्या है, तो ऐसी संख्या जो कटे नहीं वो हमेशा कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इसे आप लोग देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, जो नहीं कटने वाली संख्या होती है वो सब क्या होती है, अपरिमेय। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका बी, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए, 24 नंबर प्रश्न है, भाज्य बराबर रिक्त स्थान गुणे भागफल जोड़ शेष। यहाँ पे आपसे पूछा गया है क्या होगा, ए ऑप्शन है भाजक, बी ऑप्शन है महत्तम समापवर्तक, सी ऑप्शन है अभाज्य, डी ऑप्शन है लघुत्तम समापवर्तक। तो यहाँ पे देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, तो यानी यहाँ पे भाजक रहेगा, तो यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 25 नंबर प्रश्न है, एपी के क्रमागत पदों के अंतर को क्या कहते हैं। एपी के अगर क्रमागत पदों के अंतर को यहाँ पे पूछा गया है क्या कहते हैं। यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 ये एपी है, तो इसके क्रमागत पद यानी यहाँ का जो अंतर है 4 में से 2 गया, फिर 6 में से 4 गया, फिर 8 में से 6 गया, ये जो अंतर आ रहा है इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे सार्व अंतर या पदांतर भी कहते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा बी, बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए क्रिकेट गेंद का स्वरूप कैसा होता है। ए ऑप्शन है गोला की तरह, बी ऑप्शन है किप की तरह, सी ऑप्शन है छिन्न की तरह, डी ऑप्शन है वृत्त की तरह। तो जो यहाँ पे देखिए जो वृत्त होता है उसमें ऊंचाई नहीं होती है, लेकिन जो गोला होता है यानी उसमें ऊंचाई होती है, और गेंद कैसा होता है, गोला की तरह होता है, गेंद में भी ऊंचाई होती है, तो जिसमें ऊंचाई होगी अगर वो गोल होगा तो क्या हो जाएगा, गोला होगा। यानी यहाँ पे जो गेंद है उसका स्वरूप कैसा होगा, गेंद की तरह यानी गोला होगा, गेंद कैसी होगी, गोला की तरह, यानी ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 27 नंबर प्रश्न देखिए, केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त तो माप क्या है। ए ऑप्शन है माध्य, बी ऑप्शन है माध्यिका, सी ऑप्शन है बहुलक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का उपयुक्त तो माप क्या है, माध्य है, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ए, ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए 28 नंबर, बहुलक बराबर 3 ... -2 माध्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 माध्यिका - 2 माध्य होता है, ये एक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा सी, सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे देखिए अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि जो घटना नहीं घटने वाली होती है उसकी प्रायिकता कितनी होती है, तो अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, 0 होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न देख लीजिए, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इसमें से कौन सा होता है। यहाँ पे पूछा गया है कि त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप इसमें से कौन सा होता है, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ए एक्स क्यूब प्लस यहाँ पे देखिए बी एक्स स्क्वायर प्लस होता है सी एक्स प्लस डी। ये क्या होता है हम लोग का, त्रिघात बहुपद का होता है, और द्विघात बहुपद का क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये काफी महत्वपूर्ण है, दोनों पूछ लिया जाता है, तो ये है द्विघात का और ये है त्रिघात का। तो यहाँ पे पूछा है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा डी, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं होमवर्क प्रश्न, काफी आसान सा होमवर्क प्रश्न है।
यहाँ पे देखिए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है, यहाँ पे पूछा गया कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है। ए ऑप्शन है एल्यूमिनियम, बी ऑप्शन है चांदी, सी ऑप्शन है पीतल, डी ऑप्शन है तांबा। अगर आपको जो अच्छा लगे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसे ऑल पे दबाइए ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।